हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत। आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली वी विल बी वर्किंग ऑन चेस्ट रेजिस्टेंस बैंड से, पर उससे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस बैंड के बारे में बताऊंगा। अब जो रेजिस्टेंस बैंड आ रहे हैं उनके साथ आपको हुक्स भी मिल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा अगर यहाँ पे फोकस करेंगे। ये हुक है जो डोर क्लोजर लग जाते हैं, एंड सो यू नो बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज की रेजिस्टेंस बैंड के लिए क्लिप्स नहीं मिल रहे हैं। आप किसी भी अच्छी स्पोर्ट्स शॉप में जाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस बैंड्स और उनकी एसेसरीज मिल जाएंगी। खैर, अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल है ये, एंड ट्राई करिए। जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे रेजिस्टेंस बैंड में ऑप्शन है रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करने का, तो इससे यू नो यू कैन वर्क फ्लुएंटली ऑन द बॉडी पार्ट्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस बैंड। अभी मैंने चार बैंड्स लगा रखे हैं और अब हम कर रहे हैं चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो गाइस, ये मैं चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। दिस इज मोर टूवर्ड्स द अपर चेस्ट। इसमें यू नीड टू मेक श्योर जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपके जो चेस्ट का क्लीवेज है ये पूरा का पूरा नैरो डाउन होना चाहिए, तभी ये चेस्ट पे फोर्स करेगा और हाथ पूरे स्ट्रेच होंगे आगे की तरफ। मैंने बहुत से लोगों को करते देखा है, मैंने ऑब्जेक्ट भी करा है कईयों को। इसको फोल्ड मत करो, इसको पूरा स्ट्रेच करो, चेस्ट पे लाओ प्रेशर। सो यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर आर्म्स। आप ये चेस्ट की एक्सरसाइज करें तो चेस्ट से फोकस आना बहुत जरूरी है। थैंक यू।